जय राधे। आज के वीडियो में कूलर बनाएंगे अपने घर पे बहुत आसान तरीका से। 12 वोल्ट डीसी बैटरी चलता है और बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ। एक प्लास्टिक का जार लेना है, देखिए 1 फीट बाई 1 फीट का आपको पंखी के अनुसार से जाली की निकलाना है। 30 रुपये स्क्वायर फीट देता है, यानी 1 फीट बाई 1 फीट का 30 रुपये। 3 फीट खरीद कर लाना है, एक आगे एक पीछे और 2 साइड से, ठीक ना जी। और यहाँ पे मार्किंग कर देना है, उसके बाद पंखी के अनुसार से जाली और ये राउंड इसको कट करना है। तो जिस प्रकार से आपकी सुविधा उस प्रकार से आपको कट कर लेना है, चाकू के माध्यम से या एक्सो ब्लेड होता है उसके माध्यम से, जैसा भी कट करना है उस प्रकार से कट करके हटा लेना है। पीछे वाले साइड चरखूट कट करना है, जाली के अनुसार 1 फीट बाई 1 फीट से थोड़ा सा नहीं कम काटेंगे ताकि उसमें जाल एडजस्ट कर ले। आगे वाला साइड को गोल काटेंगे। इसका हम कूलिंग पैड बनाएंगे जो ये आप देख रहे हैं। तो ये जो हमने लाए थे जाली खरीद के, उस पर इसका जो खर है, ये खर कहीं भी मिल जाएगा। सुई वगैरह सी सकते हैं या वायर वगैरह से बांध के इसको कूलिंग पैड को बना लेना है। सरसों तेल के टीन में से आपको 4 पत्र करना है, कुछ इस प्रकार से 1 फीट के अनुसार होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद ये उसके अंदर में साइकिल के स्कोप लगाना है ताकि इसका स्ट्रांगनेस ज़्यादा हो। तो उसको अपना हैमर के माध्यम से उसको स्कोप के मार के उसको एल बना के कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। एल और इधर में कुल मिला के जेड बनाना है, इस प्रकार से 4 बनाइएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से नॉट खरीद कर लाना है, ये नॉट 2 रुपये पीस देगा, ठीक है जी। इस नॉट के अनुसार छोटा वाला जगह में होल कर लेना है, चारों में सेम होल करना हो गया, ठीक ना। और ऊपर वाले हिस्सा में छोटा होल करना है, छोटा नॉट के अनुसार जो आगे आपको देखने को मिलेगा। इस साइड आपको छोटा सा नहीं होल करना है, चारों में इसी सेम प्रोसेस से। कुल मिलाकर बात की जाए तो बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाएगा, वही 300 से 400 के अंदर बन जाएगा। सामान नहीं है तो, अगर ये मोटे वगैरह है तो 100 रुपये का जाली में ही बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ये जो मोटर देख रहे हैं, ये 775 मोटर है, जो दवा छिड़कने वाला मशीन के पंप में का मोटर है, जो आपको मिल जाएगा सेकेंड है। नहीं तो आपके पास मोटर दवा छिड़कने वाला उसमें का मोटर है, और उसमें ये लगा रहता है, ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, सो इसी में आपको कर देना। ये दोनों का होल ज़्यादा होता है, ये देखिए, ये पंखी किन कलाइएगा तो ये होल ज़्यादा होता है। साइकिल का भाल में इसको अटैचमेंट करना है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे अटैच हो जाता है। तो वहाँ पर तो कस जाएगा, यहाँ पर भी कस जाता है, यानी हल्का हल्का लूज होता है दोनों जगह पर, ठीक ना। यहाँ पर भी कस जाता है, यानी हल्का सा नहीं लूज होता है। तो इसमें 2 पतला पतला ट्यूब कट करिएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मायने रोल प्ले करता है इसको स्ट्रांगनेस करने के लिए। तो इस प्रकार से बीच में करके बाद उसमें इसी प्रकार से हथ बना हुआ रहता है, हैमर के माध्यम से ऊपर से मार देना है। उसके बाद ये जाली जो खरीद कर लाए थे उस पर इसको कस लेना है, कस के सभी नॉट को, और उस पर मार्किंग थोड़ा करना है ताकि हम लोग उस पर आगे काम किया जाए। छोड़ा टेस्ट बीच में करते चलना है कि मोटर चल रहा है कि नहीं। इस प्रकार रखने के बाद यहाँ पर मार्किंग मार देंगे। अब सभी में होल करना है, सोल्डिंग मशीन से होल कर सकते हैं या आपके पास जो भी सुविधा हो चाकू के माध्यम से या लोहा वगैरह गर्म करके उस प्रकार से होल कर सकते हैं। इसी प्रोसेस से आपको तीनों तरफ होल करना है। इसका नीचे से आपको नट डालना है, सबसे पहले आपको आगे वाला जाली को कसना है, उसमें अपने मोटर को जो भी उसको अटैच करना है बढ़िया तरीका से। इसको इस प्रकार से चारों नट डाल के पहले नट डालना है, ऊपर से मतलब बोल्ट डाल कसना नहीं है, तो फिर उसके बाद ये लगाना है जो हमने इस प्रकार से बनाए थे। सेम प्रोसेस आपको बना लेना है, इजी है, थोड़ा दिमाग ला के बनेगा बन जाएगा। चारों तरफ पहले सबको आपको ढुका लेना है, ठीक ना, चारों नट में आपको डाल देना है, नहीं तो पहले बीच वाला नट को टाइट न करेगा।
और उसके बाद इसको टाइट कर दीजिएगा अच्छा तरीका से, खूब एकदम पाना के माध्यम से टाइट कर देना है, ठीक ना भाई साहब जी। इसमें वाशर वगैरह का उपयोग नहीं, उसके बाद बीच वाला भाग कसना है, उसको अच्छा ला के देखना है, देखिए कहीं पंखी टकरा तो नहीं ना रहा है। अब बहुत ही स्ट्रांगनेस हुआ था ये टेस्टिंग, बीच बीच में टेस्टिंग ज़रूर करते रहिएगा, ठीक ना, ताकि यहाँ पर कोई भी बाद में गड़बड़ी ना आए, इसीलिए पहले टेस्टिंग करते चलेंगे। ये देखिए अच्छा चल रहा है। अब साइड कूलिंग पैड लगाना है। साइड कूलिंग पैड को लगाने के लिए देखिए कुछ इस प्रकार से हो गया है, ऊपर के माध्यम से डाल के इसको लगाना होगा, यहाँ से आपको डालिएगा सब साइड से। उससे पहले इधर भी चेक कर सकते हैं पहले, मगर साइड में लगाए तो बढ़िया है। साइड वाला जितना कूलिंग पैड है, एक इस साइड, एक उस साइड, एक इस साइड, यानी तीन साइड कूलिंग पैड है, एक साइड डालिए, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार से आपको नॉट लगा के आपको टाइट करना है, और वो साइड हो गया, उसके बाद ये साइड में भी लगाना है, ठीक ना। पीछे वाला मत लगाएगा, पहले आगे उसके बाद ही, मतलब पहले आगे उसके बाद ये, दोनों में से कब लगा सकते, तब पहले आगे उसके बाद इस साइड में लगाना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉट है तो दो और नॉट लगा देंगे तो कूलिंग पैड और अच्छा तरीका से टाइट होगा। तो हमारे पास नॉट था तो हम लगा दिए हैं ताकि ये कूलिंग पैड और अच्छा तरीका से टाइट हो जाए, क्योंकि इसमें भी काम होगा, कूलिंग पैड में कुछ बांधना वगैरह चाहे कुछ वायर वगैरह। ये देखिए अभी चल रहा है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक वाइक जो भी है सो कर दीजिए। उसके बाद आपको ये साइड वाला कूलिंग पैड लगाना है, और उससे पहले आपको मोटर में सोल्डिंग वायर के माध्यम से वायर कर लेना है, सोल्डिंग करना है, ताकि वायर हिले उले नहीं, वो बांधिएगा मोटर, ठीक ना, सोल्डिंग करिएगा, ठीक ना, क्योंकि पानी वगैरह चलेगा तो थोड़ा बहुत छिटका भी पड़ सकता है, ठीक ना। उसके बाद इस वायर को इस प्रकार से टेप मार के उसके बाद इसको लगाना है साइड वाला कूलिंग पैड, इसको नॉट को अच्छा तरीके से सही नॉट को टाइट कर लेना। अब इस पर पानी चलाना था, पानी चलाने के लिए वाटर पंप है जो दवा छिड़कने वाला मशीन में के, जो भी 12 वोल्ट चलता है, बहुत ही अच्छा वर्क है, बहुत ही अच्छा पंप है, ठीक ना। इसके खाली आपको जहाँ से पानी डालने का उसके मुंह पर आपको जाली बांध दीजिएगा, नहीं तो कचरा वगैरह घिसेगा तो इसके अंदर वाशर टेप फंस जाएगा, तो फिर पानी बाहर वाले साइड में कुछ लॉक वगैरह ला के इस प्रकार से पाइप के छोटे से निभाग ताकि पानी वहाँ पर रुक जाए, ठीक ना। आपको यहाँ से डालना है, साइड में आपको लगाना है, पीछे वाला साइड में ना, ये बैक साइड में कुछ इस प्रकार से लगाइएगा, यहाँ पर पजरा में ये जो पाइप ऊपर से नचा कर इसे देख लेना है कहाँ कहाँ होल करना है, सो अपने डब्बा के अनुसार उसके बाद आपको उसमें होल करना है ताकि पानी गिरे। पानी गिरने के लिए होल जो करना है आपको पहले मार्किंग करना है, आपको बिठा बिठा के देख लेना है कि कहाँ कहाँ क्या मार्किंग करना है। तो आपको जितना कूलिंग पड़े उसके अनुसार से अपना मार्किंग कर दीजिए। नीचे की तरफ से आपको होल करना होगा, सोल्डिंग आयरन के माध्यम से नीचे की तरफ होल करना है, नहीं तो मतलब लोहा वगैरह गर्म करके नीचे से आपको होल करना है। इसी प्रकार से आपको 4-5 छिद्र कर देना है, और 5-6 जितना आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, कम से कम एक कूलिंग पैड के सामने 3-4 होल होना चाहिए, ठीक ना। साइड वाला में 3-4, उधर वाला बीच वाला में जो 12 वाला कूलिंग पैड ज़्यादा करेगा और इधर थोड़ा कम। इसको वायर वगैरह से बांध देना, ये जो पाइप है इसको वायर से बांध दीजिएगा अच्छा तरीका से, जो होल होना चाहिए कूलिंग पैड पे पानी गिरने के लिए वो नीचे की तरफ से होना चाहिए, ठीक ना। जिस प्रकार से यहाँ यहाँ जो नॉट सा निकला उसी नॉट में हमने इसको बांध दिया, देखिए। और यहाँ पे हम एक लाइट लगाएंगे, थोड़ा अच्छा लगने का, थोड़ा रात वार में थोड़ा सुंदर लगेगा देखने के लिए। इस प्रकार से आपको कूलिंग पैड पर पानी गिराने के लिए पाइप लगाना है, ठीक है ना। 12 वोल्ट डीसी मोटर 775, 12 वोल्ट डीसी मोटर 775, ये पंपे है जो दवा छिड़कने वाला मशीन का, उसी में क्या पंप है उसी में का मोटर है। पंखे हमने खाली खरीद कर लाया है और ये डिब्बा हमको मिल गया, और यहाँ पे हमें स्विच लगाना है, ठीक है जी। अगर ये रेगुलेटर लगाना चाहे तो लगा सकते, कम बेसिक करने वाला, इस पर डबल लोड नहीं दीजिएगा नहीं तो ये उड़ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर एक स्विच और एक स्विच इधर लगाना है, मार्किंग कर देगा।
हमने मोटर कंट्रोलर और वाटर पंप का कंट्रोलर एक ही रेगुलेटर से कर दिया, कम बेसिक करने वाला से, इसलिए वॉल्यूम हीट हो जाता है। ये चाइनीज वॉल्यूम होता है और इसी कारण ये वॉल्यूम आगे चल के उड़ भी सकता है। तो आपको एक ही में कनेक्ट करना है। ये वॉल्यूम दवा छिड़कने वाला मशीन में का ही है, पंप में करिए या फैन में करिए, किसी एक में कंट्रोल करिए। यहाँ से एक स्विच से हम इसे लाइट को दे सकते हैं, नहीं माने वॉल्यूम नहीं लगा सकते हैं। ठीक ना जी, ये देखिए वॉल्यूम फ्री हो गया, यानी हीट होकर इसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको एक ही किसी एक में इसको कनेक्ट करना है। इसे आप 12 वोल्ट बैटरी से या 12 वोल्ट चार्जर से भी चला सकते हैं। ये 12 वोल्ट से चलेगा और 24 वोल्ट भी दीजिएगा, 24 वोल्ट से भी चलेगा। फ्रिज करके दीजिए या 24 वोल्ट कैसे बना के, लुक शानदार लग रहा है देखने में।